नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए देखते हैं आज की ये खास खबर। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में चल रही जूनियर बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता में झांसी मंडल की ओर से रॉयल स्पोर्ट एकेडमी बबीना की 16 बालिकाओं ने कोच राजे रूपाली सिंह के नेतृत्व में प्रतिभाग किया और झांसी मंडल की टीम को क्वार्टर फाइनल तक पहुंचाया। झांसी मंडल की टीम ने मुरादाबाद मंडल को 9 गोल से, कानपुर मंडल को 4 गोल से, चित्रकूट मंडल को 2 गोल से पराजित किया। झांसी मंडल की ओर से रिमझिम वर्मा ने सर्वाधिक 10 गोल, रौनक वर्मा ने 4 गोल, महक यादव ने 1 गोल तथा सुरती झांसी ने 1 गोल किया। सुहाना ने शानदार गोलकीपिंग की एवं जैनिफ वानो ने शानदार डिफेंस किया। गुड़िया प्राची, नंदनी, मुस्कान नेहा, रिमझिम, सिमरन, मुस्कान अहिरवार, काजल अहिरवार ने लाजवाब खेल का प्रदर्शन किया। नगर आगमन पर रॉयल स्पोर्ट एकेडमी के बालकों एवं ब्रदर्स क्लब बबीना के खिलाड़ियों गोलू, भोलू कप्तान, शिवा, सोनू, रोहित, राजदीप वर्मा, राजीव, ऋषि वाल्मीकि समेत गणमान्य नागरिक चंद्र प्रकाश राय, गुड्डन सोनी, शैलेंद्र वर्मा शिल्पी, महेश कुमार, रमन पहलवान, ऋषि पहलवान आदि ने स्वागत सम्मान किया। अंत में रॉयल स्पोर्ट एकेडमी के प्रबंधक RS रजक एडवोकेट ने सबका आभार व्यक्त किया। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से प्रिंस राज यादव के साथ गौरव कुमार की रिपोर्ट। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नई खबर की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।